Hello, assalamu alaikum, boys and girls, ladies and gentlemen, back with the same spirit, back with the same style, but with different thoughts, with different work. Pehle to ji, love to all those people, jo ke in contact rahe, in touch rahe, jis phase mein maine 5-6 maah ke phase mein video nahi upload ki, bahut bahut shukriya un sab ka jo Instagram pe interest the. Dusra, kyun I was not uploading, main kyun uploads nahi kar raha tha, uski chand ek reasons. पहली बात तो वर्किंग ऑन माई सेल्फ, आई वॉज वर्किंग ऑन माई सेल्फ, अपने ऊपर काम कर रहा था, बहुत वीडियोज़ बना ली थी, आई वॉज लाइक टायर्ड ऑफ मेकिंग वीडियोज़. सो जब मज़ा नहीं आ रहा था तो आई स्टॉप्ड इट, क्योंकि आई टोल्ड यू ऑल ऑफ गाइज इन द स्टार्टिंग कि मैं जो भी कर रहा हूँ अपने शौक से कर रहा हूँ, फन के लिए. और हाँ, जो एक अपनी एक स्पेसिफिक सी फैमिली जिसको मैं सब दिखाना चाह रहा हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ. और हाँ, ट्रैवल एज अपना शौक है तो ट्रैवलिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस रहा है हमेशा से. तो वेल, और कुछ और पॉइंट्स थे जिसमें मैं लोगों से तंग आ गया था, लोगों के जो चंद एक क्लोज दोस्तों से भी, जो बड़े अच्छे जिनसे बंदा पॉइंट्स एक्सपेक्ट करता है, वो भी बड़ी लाइक कह लें कि डिप्रेसिंग सिचुएशन में आपको छोड़ जाते हैं. लेकिन हम बंदे नहीं हैं कि डिप्रेस हों उनसे. लेकिन जैसे जी वो कहते हैं जी आप लड़कियां दिखाएं, आप जी एडल्ट कंटेंट करें, आप ये करें वो करें, लोग ये नहीं देख रहे हैं कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ और जो मेरा कॉन्टेंट है वो अच्छा है कि बुरा है. वो जी आप ये दिखाएं जी, यानी नहीं आप ये दिखाएं. और मैं तो वही दिखाऊंगा जो मेरा दिल करेगा और जो मेरी सीधी बात है ऑनलाइन फैमिली देखना पसंद करेगी, ठीक है. और हाँ, आई वॉज़ वर्किंग कि अब क्या फर्दर किन चीज़ों पे काम करना चाहिए और कैसे करना चाहिए. फिर एक आ जाती है, आप वीडियोस इतनी बना रहे हैं, आप इतनी एफर्ट कर रहे हैं, मे बी हाई लेवल व्लॉगर्स वाली एफर्ट सिचुएशन नहीं है, लेकिन स्टिल यू आर डूइंग समथिंग, यू आर लाइक स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम, आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं वीडियोज़ के ऊपर और आपको फिर भी एटलीस्ट वो रिटर्न नहीं मिल रहा. सीधी बात है, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, लेकिन स्टिल इट हर्ट्स के आप इतनी अच्छी वीडियोस बना रहे हैं. लाइक लेट सपोज मैं आपको ट्रैवलिंग दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप उस ट्रैवलिंग वाली वीडियोस के नीचे कमेंट लिखें आपकी फ़ीस कितनी है, आप यूक्रेन में जॉब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, मेरी TR करवा दें, मेरी PR करवा दें, भाई मेरी शादी करवा दें. अबे भाई, शादी मैरिज सेंटर थोड़ी खोला हुआ है, मैं तुम्हें अपनी ट्रैवलिंग दिखा रहा हूँ, लेकिन तुम वो नीचे कमेंट कर रहे हो मेरी इतनी खूबसूरत लिविव की वीडियोज़, उनके नीचे जी अपना नंबर दे दें, मुझे शादी करनी है इधर आके. अबे अल्लाह के बंदो, ट्रैवल व्लॉगर हूँ या एक कॉन्टेंट क्रिएटर हूँ, एक स्टोरी टेलर हूँ, ठीक है, उससे रिलेटेड बात करो. हाँ, स्टडी इन यूक्रेन के ऊपर बात कर लेते हैं. स्टडी इन यूक्रेन से रिलेटेड 3 से 4 वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ, प्रॉपर प्लेलिस्ट एक मेरी पड़ी हुई है. लाइक के कोई बंदा उसके अंदर जाए, उसको PR चीज़ें ये मेरे से रिलेटेड नहीं है, ठीक है. स्टडी से रिलेटेड जो मुझे एक्सपीरियंसेस हुए वो मैंने शेयर किए हैं, और वर्क से रिलेटेड मैंने चीज़ें वो भी बयान की हुई हैं. और फ्यूचर में अब इन सब सिचुएशन के बाद मैंने इस चीज़ के ऊपर वर्क किया कि हाँ, 5 से 7 वीडियोज़, एक और सीरीज़ यूक्रेन से रिलेटेड, वर्क इन यूक्रेन, स्टडी इन यूक्रेन, सेटलमेंट इन यूक्रेन, इन सब चीज़ों के ऊपर मैं वर्क एक सीरीज़ बनाऊँगा. लेकिन एक ट्रैवल वीडियो है, उसके नीचे को कमेंट करे शादी करा दियो. अबे फिर वही बात, अबे डुआ लिपा वाला शादी सेंटर थोड़ी खोला हुआ है कि मैं अब इधर शादियां कराऊं तुम लोगों की बैठ के. जाओ उन लोगों का कंटेंट देखो जिन्होंने इस चीज़ के ऊपर बनाया हुआ है. एक बंदा तुम्हें ट्रैवल वीडियोज़ दिखा रहा है, एक बंदा तुम्हें अपना सिटी दिखा रहा है, एक बंदा तुम्हें कुछ और चीज़ें दिखाना चाह रहा है, फ़न की तरफ ले जा रहा है, और तुम फिर उधर futureshadi.com ukraine.now के ऊपर चले जाओ, मिल जाएंगे. मे बी इस सिचुएशन को मोर मेच्योर तरीके से हैंडल किया जा सकता था, लेकिन जैसे मैं हैंडल कर सकता था मैंने कर दिया. और यही एक बहुत बड़ा पॉइंट था जिसकी वजह से मैं रुक गया था वीडियोस बनाना. मैं लोगों के कुछ कमेंट्स से ऑफेंडेड हो गया था और मैं रियलिटी को एंजॉय करने निकल गया था. और इवन मैंने इंस्टाग्राम पे भी पोस्टिंग छोड़ दी थी डेली स्टोरीज के ऊपर. तो वेल, बैक आ गए हैं. और फिर ये एक और पॉइंट है, फिर आज कहेंगे कि दुख की कहानियाँ लेके बैठ गए हो, सागर अली सागर बन गए हो, ऐसी बात नहीं है. लेकिन फिर दुख की बात है ना, अब जैसा मेरे 1000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत आपका, बहुत बहुत शुक्रिया. लेकिन स्टिल बात वहीं पे आती है कि वो जो 1000 सब्सक्राइबर्स मुझे मिले हैं, मुझे पता है किस तरह मिले हैं, मेरी कौन सी वीडियोज़ मोस्ट वॉच्ड हैं. हमारी पाकिस्तानी आवाम ने वो देखना है, TR PR वाला है कि यूक्रेन TR PR, एक नॉर्मल कंटेंट आएगा उसको देख के स्वाइप अप कर देंगे. और हाँ, बाहर के जो लोग हैं बैट्समैन भाई जैसे, उनको आपने उठाने हैं, वो जिनके 1500 5500 होते हैं और पाकिस्तान आते साथ फेमस हो जाते हैं, और हम जैसों को आपने उठाना नहीं है. ये भी एक
शिकवे शिकवे आज तो शिकवे चल रहे हैं. वेल सोन अच्छी ट्रैवल वीडियोस आएंगी, इस पर वर्क किया जाएगा. जो कोई आप समझ रहे हैं आज इतना तैयार हो गए कि मैं बैठा हुआ हूँ, तो बस जस्ट कहीं काम लेके जा रहा था एक मीटिंग पे, तो मैंने सोचा ज़रा तैयार तो हुए हैं तो माइंड में एक वीडियो भी बनाने की थी बैक, मान साहब इज़ कमिंग बैक वाली वीडियो, तो डाल देते हैं. अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, चलते हैं.